बड़ी खबर धनबाद से, जहां कोयलांचल धनबाद में लगातार पानी की समस्या बनी रही। ताजा मामला कतरास वार्ड नंबर 5 का। इन दिनों पानी की समस्या को लेकर के लोग जूझ रहे हैं। बता दें कि सोमवार को कतरास वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी सोनी पासवान ने महिलाओं के साथ धनबाद प्रेस क्लब पहुंची और मीडिया से गुहार लगाई है। वहीं मीडिया से बात करते हुए कतरास वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी सोनी पासवान ने बताया कि विगत कई वर्षों से पानी की समस्या कतरास के विभिन्न क्षेत्रों में है, जिसको लेकर महिलाएं आए दिन परेशान रहती है और सारा दिन पानी भरने में समय व्यतीत हो जाता है। ऐसे में अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग का क्षेत्र में है कि पानी नहीं मिलता है, हम लोग को खरीद के पीते नहीं तो लाते हैं, बहुत दूर से जाना पड़ता लाने के लिए। समस्या कब से? बहुत दिन से है, और साफ सफाई भी नहीं होता है, नाली उली कुछ नहीं पड़ता है। क्या? जी हाँ। तो आप लोग कभी नगर निगम में शिकायत किए हैं? हाँ, बहुत बार नहीं। बहुत दूर जाते हैं, कतरास वही सर, हम लोग का घर इधर है और कतरास से लाते हैं रामपुर। किलोमीटर 3 किलोमीटर? कितना किलोमीटर? यही है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर हो जाता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है आपके सहयोग में आई है पासवान जी मैडम? हाँ। तो क्या आपका जो समस्या समाधान हो पाएगा? हो पाएगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। अगर चाहेंगे तो हम लोग चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे, जरूर होगा। होगा कैसा न, आखिर हम लोग तो कोई आशा दे के ही ना आगे बढ़े हैं। और सारे कई जनप्रतिनिधि है, क्या ध्यान नहीं देते हैं क्या? नहीं, ध्यान अगर देता होता तो इतना थोड़ी होता, जरूर होता था। क्या नाम हुआ आपका? सर राखी देवी। क्या समस्या है? जी, मेरा समस्या है वार्ड नंबर 5 नगर निगम कतरास से। हम भावी पार्षद के रूप में आ रहे हैं और इसमें हमारा सर्वे करने के बाद और 2 टूर अभी तक हम घूमे हैं, तो हमारा यही अभी प्रॉब्लम जनता का आ रहा है कि पानी और सफाई पे लोग बहुत काफ़ी, मतलब कि यहाँ पर लोग सब जूझ रहे हैं। और उन लोग क्या, हम भी देख चुके हैं कि एरियन कितनी महिलाएँ हैं जो अपने माथा पर बर्नी उठा कर लोग, यानी किलोमीटर, यानी कि 5 या 10 किलोमीटर की दूरी से लोग पानी लाने जाती हैं। आज के ठंडा के मौसम में भी देख रहे हैं तो मौसम काफ़ी छोटा हो रहा है, और उसके विचार से लोग अगर 3 या 4 बजे निकल रही हैं पानी लाने के लिए तो शाम 6 बज जा रहा, तो उसमें अगर कुछ रास्ता में होता भी है महिलाओं को तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? यही चीज़ को लेकर सर हम आगे बढ़े हैं और हम अपना पड़ाव अपना जनता के लिए, हम पहला लड़ाई के लिए हम कदम बढ़ा दिए हैं पानी और उनका जो सफाई हमारे नगर का है उसके लिए। और आगे अभी हम देख रहे हैं कि नगर आयुक्त को लेटर दिए हैं, उन्होंने कहा है कि ठीक है आप अपना कार्य को इस तरह से रखे हैं तो हम सफाई के लिए आगे हम बढ़ रहे हैं और आपका काम पे हम ध्यान देख रहे हैं और देंगे। अब रह गया पानी का, तो पानी का मेन समस्या है सर कि हर जगह पाइप बिछ गई है, सालों यानी कि 5 साल भी हो गया है, लेकिन अभी कहीं पानी का कुछ पाइप में मतलब गया ही नहीं है। अभी हम देख रहे हैं और भी जगह पे लोग अच्छे से रोड जो है तोड़ तोड़ के लोग पाइप बिछा दिए हैं, पर पानी कहीं कुछ ऐसा होना कि सप्लाई हुआ ही नहीं है। साकिर ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि सालों बीत गए हैं, पाइप हर जगह बिछा रहे हैं लेकिन पानी कहीं आप दिए ही नहीं है। महिलाएं जो हैं आपको नदी से पानी मतलब कि निकाल कर पानी गर्म करके पी रही हैं, यहाँ तो गुल्लों का समस्या है। नाली के देख रहे हैं कि आज तक हमारे जो भी है पूर्व पार्षद प्रेजेंट पार्षद आज तक उन्होंने किया क्या है? अगर ये लोग आपको मौका देते हैं जो समस्या समाधान होता है? जी हाँ, अगर ये लोग हमको मौका देते हैं, अगर इस तरह से अगर आप उस लाइफ समझते हैं तो हम इनके लिए हम उस चीज का हम अभी से ही पहले से ही उस चीज को हम पड़ाव कर दिए हैं और उस जंग में उतर चुके हैं। महिला पानी कहाँ से लाती है? महिला आपको यूनियन और गली टार से लोग जाती हैं आपका सूर्य मंदिर लाने के लिए। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सोनी पासवान हुआ।